1 अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी यहाँ पे चल रही है पैकिंग, मैं जा रही हूँ एक ब्यूटी प्रोडक्ट की प्रमोशनल वीडियो के लिए लाहौर, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक और मौका मिला है। और जी यहाँ पे पैकिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने घर के सारे काम काज ख़त्म किए, कुकिंग के सारे काम ख़त्म किए। मेरा मानना है जी, जब आप बाहर से वापस आते हैं, घर साफ़ होता है, तो जी आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। बच्चों को जी मैंने ड्रॉप कर दिया है अपनी सिस्टर इन लॉ के पास। मैं जी बहुत खुशनसीब लड़की हूँ कि मेरे साथ सपोर्ट दोनों की है, मेरे पेरेंट्स की भी है और जी मेरे ससुराल की भी है, जिसकी वजह से जी मुझे बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करने में बहुत आसानी होती है। तो यहाँ से जी हम लोग फिर से रवाना हुए, और बहुत ज़्यादा गर्मी और इतनी शदीद धूप थी। मज़े की बात यह है कि मुझे इस दफ़ा फिर से सीट नंबर मिला है जी 1011। लास्ट टाइम भी जी जाते हुए मेरा सीट नंबर था 1011, और मैं बहुत ज़्यादा इस पर खुश हुई। इंसान अपनी छोटी छोटी चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं इमोशनली ज़रूर अटैच होता है। तो जी रवानगी हुई हमारी 5:16 पर, और सफ़र स्टार्ट हुआ। हम इंसान मुख्तलिफ टाइम पे सफ़र करता है, लेकिन जब वो किसी ख़ास मकसद के लिए जा रहा होता है, तो उसकी फीलिंग्स ही कुछ और होती हैं, एहसास जज्बात टोटली डिफरेंट होते हैं। बहुत अच्छा सफ़र है, और ये मेरा दूसरा सफ़र है और मैं इसको बहुत इंजॉय कर रही हूँ। और ये हैं जी मेरे साथ वकास। वकास जी लगे हुए हैं मोबाइल पे और मैं बाहर चीज़ों को जी इंजॉय कर रही हूँ। ये पोर्शन जो है कलर कार वाला, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे, और स्पेशली जब ये अक्सर शाम में होता है तो पहाड़ों के दरमियान से ये खूबसूरत रास्ता मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जब वकास ने जी अनबॉक्सिंग की, रिफ्रेशमेंट की, तो इसमें था जी ग्रिल सैंडविच, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। और फिर मैंने सैंडविच बहुत मज़े का था, और साथ में मैंने मूवी देखी। लाहौर कब आया कुछ पता ही नहीं चला। लाहौर पहुँचते ही जी यहाँ की लाइटिंग आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। हर शहर की अपनी खूबसूरती होती है, और लाहौर की खूबसूरती है इस्लामाबाद की नेचुरल ब्यूटी है। तो जी अब मैं करूँगी आराम, क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी उठना है, और उसके बाद जी मैंने जाना है ट्रिप पे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी मरियम वकास। आज हम लोग आए हुए हैं लाहौर में, और आज हमारा एक शूट है जिसके लिए हम आए हैं। तो देखते हैं जी शूट कैसा होगा। हम निकल चुके हैं जी लोकेशन के लिए, जो कि थी DHA। ये सारा व्लॉग वॉइस ओवर और शॉर्ट क्लिप्स में इसलिए है, एक तो टाइम शॉर्ट था, चीज़ें करने को ज़्यादा थी, तो बस मैंने अपने लिए छोटी छोटी चीज़ों को जी अरेंज किया कि एक छोटा सा व्लॉग बना सकूं अपने इस शूट के ऊपर। तो ये बहुत ही खूबसूरत फार्म हाउस था जहाँ पर हमारा सेट था, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है। वो बैग पकड़े जरा, एमर आप पकड़ने, प्रोडक्शन का बंदा है आप, वो बैग पकड़े जरा। आप सुनाओ कैसे हो, रेस्ट कर रहे हैं एक के बाद ना जी सर, एक के बाद आप आते ना। पहुंच चुके हैं सेट पे, और अभी होगा जी मेरा मेकअप चेंज, और उसके बाद जी हम करेंगे। अभी याद कर रही हूँ, रट्टे लगा रही हूँ जी। तो दोस्तों KMS प्रोडक्शन हैप्पी ने ये लुक मेरी क्रिएट की है, और मैं आपके लुक से जी बहुत खुश हूँ। हैप्पी की तरह मैं भी हैप्पी हूँ। आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है मेरी ये लुक कैसी लगती है। ये है जी मेरी पहली लुक जिसमें शूट हुआ। मैंने बहुत छोटे छोटे क्लिप्स इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि हमें अलाउ नहीं होता इतना ज़्यादा कैप्चर करना, तो बस जितना मैं कर सकी मैंने किया। फिर दोबारा से जी मेकअप हुआ, और हम अपनी सेकंड शूट पे थे क्योंकि सनलाइट जा रही थी और बहुत ही तेज़ी पड़ी हुई थी सारों को। तो जी दिखने में ये बहुत सादा व्लॉग लग रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत है, और सुबह से लेकर रात तक जी हम इस पर लगे रहे। बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया, और मैंने तमाम चीज़ों को पहली दफ़ा जी इंजॉय भी किया और इसका एक्सपीरियंस भी किया। यहाँ पे जी मैं तमाम लोगों की मेहनत देख रही थी कि मेरे अलावा भी सब लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। चोरी चोरी जद तेनू तकिया मैं, खुद को संभाल न सकिया मैं, चल गया सजना तेरा ये फितूर, रंग जानी रे मर जानी रा।
थ्री टू वन आया। आज का शूट भी मेरा बहुत मजे का था, लोकेशन बहुत मजे की थी, एक नया एक्सपीरियंस था। मुलाकात होगी जी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।